कनाडा में खालिस्तान समर्थकों द्वारा एक मास प्रोटेस्ट निकाला गया है, और ये जो प्रोटेस्ट है वो इंडियन एम्बेसी और जो कॉन्सुलेट है उसके खिलाफ निकाला गया है। ये प्रोटेस्ट हरदीप सिंह निज्जर की जो किलिंग है उसके विरोध में निकाला गया, क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उसकी हत्या की थी, और ये जो हत्या है वो गुरुद्वारे में की गई थी। उसके बाद कनाडा के जो पीएम है उनके द्वारा हाउस ऑफ कॉमन में इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया गया था कि इंडिया द्वारा जो हरदीप सिंह निज्जर है उसकी डेथ कराई गई है, यानी जो किलिंग है वो कराई गई है, जिसके बाद इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन है उसमें हमें डाउनफॉल देखने को मिला। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फैक्ट अफेयर चैनल। कनाडा के पीएम द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी जो विवाद का मुद्दा है उसको उठाया गया, और उनके द्वारा कहा गया कि जो इंडिया है उसको साथ में यानी कोऑपरेट करना चाहिए और साथ में मिलकर जो ये विवाद है उसको ख़त्म करना चाहिए, ये कहा था जस्टिन ट्रूडो ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। कनाडा के बीच में जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और एक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कनाडा द्वारा ये कहा गया कि उनके द्वारा जो इंडिया उसको सबूत दे दी गए हैं, यानी जो डॉक्यूमेंट है वो दे दी गए, लेकिन जो इंडिया का कहना है कि किसी भी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट है या फिर जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है, ये जो कनाडा है उसके द्वारा किसी भी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो भारत को सेंड नहीं की गई है, ये कहना है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर द्वारा जो कनाडा है उसको रिप्लाई किया गया है यूएनजी में। इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि जयशंकर्स वेल्ड अटैक ऑन कनाडा एट यूएनजी रिस्पेक्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स। उनके द्वारा कहा गया कि किसी भी देश को दूसरे देश के जो इंटरनल मैटर हैं उसमें इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। कनाडा को ये राइट नहीं है कि वो इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करे, और कुछ देशों द्वारा एजेंडा बना लिया गया है कि उनके द्वारा जो इंटरनल मैटर्स है दूसरे देशों के उसमें इंटरफेयर किया जाता है, ऐसे ही जो कनाडा वो भी कर रहा है, लेकिन जो इंडिया है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। नाउ इंडिया टॉलरेट नहीं कर सकता कि कोई भी देश है उसके जो इंटरनल मैटर्स है उसमें इंटरफेयर करे, चाहे कोई भी हो। एस जयशंकर का जो कनाडा है उसको स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है कि वो इंडिया के जो इंटरनल मैटर्स है उसमें इंटरफेयर करना बंद करे, वरना इसके जो कॉन्सिक्वेंस है वो कनाडा के लिए अच्छे नहीं होंगे। हम बात करते हैं कनाडा और इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, तो जो इंडिया की इकोनॉमी है वो कनाडा से लगभग 2 times ज़्यादा है। अगर इंडिया द्वारा कनाडा से ट्रेड तोड़ दिया जाता है यानी ट्रेड करना बंद कर दिया जाता है, तो इसका जो असर है कनाडा की इकोनॉमी पे होगा, इंडिया की इकोनॉमी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ जो इंडिया के कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो कनाडा में पढ़ने जाते हैं, लेकिन जो कनाडा है वो इंडियन स्टूडेंट के लिए एक नाइटमेयर साबित हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो जॉब है उसकी कमी है, साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन है वो भी काफ़ी बढ़ रही है, और हाउस क्राइसिस भी वहाँ पे चल रहा है। अब हम बात करें कि जो कनाडा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो कहाँ ठहरते हैं, टॉप पोजीशन पे वो ओंटेरियो है, उसके बाद जो ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट रहते हैं, जिसमें चाहे इंडिया के हो गया, चाइना के हो गया, या फिर और किसी देश के। अब हम बात करते हैं कि जो कनाडा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा किस देश से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो आते हैं, तो सबसे पहले जो नंबर है वो इंडिया है, इसके बाद जो चाइना है, वहाँ पर 12% जो लोग हैं वो जाते हैं, और बाकी देशों में 2% ऐसे लोग हैं जो जाते हैं। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लोग जाते हैं वो सिख कम्युनिटी के हैं, क्योंकि कनाडा में लगभग 70 lakh जो लोग हैं वो सिख कम्युनिटी के रहते हैं, और उनकी जो पॉपुलेशन है वो कनाडा की 2% है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मात्रा में जो लोग हैं वहाँ पे जाते हैं। मैं भी आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट सेकेंडरी स्टूडेंट है कनाडा में जो जाते हैं वो इंडिया से सबसे ज़्यादा जाते हैं, उसके बाद जो फिलीपींस है, चाइना है, मैक्सिको, ब्राज़ील है, वहाँ पे जाते हैं। इंडिया कनाडा जो विवाद है उसमें कोई भी देश जो कनाडा का साथ नहीं दे रहा है, बल्कि कुछ देश ऐसे हैं जो कनाडा के खिलाफ हो गए, जिसमें हम बात करते हैं जो रशिया है। रशिया द्वारा कनाडा से माफ़ी मांगने के लिए कहा गया था, क्योंकि जो कनाडा है उसके द्वारा ऐसे व्यक्ति को हाउस ऑफ कॉमन में ऑनर किया गया था जो कि एक नाजी था, यानी जो नाजी की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ा था, इसलिए जो कनाडा है उसका बुरा समय चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो है फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहे।